आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पाइप फिटर वर्क से, अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उस बारे में हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। आप कहीं पर पाइप फिटर से जॉब करते हैं तो क्या क्या टूल्स लगते हैं, कौन कौन से मटेरियल लगते हैं, उनके क्या क्या नाम है, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो शुरुआत करते हैं पाइप से। तो पाइप क्या होता है? पाइप दो प्रकार का होता है, आप जान लीजिए, ठीक है। पाइप जो है दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन से होते हैं पाइप दो प्रकार के, वो हमको बता देते हैं। नंबर वन सिम पाइप और नंबर टू सिमलेस पाइप। तो पाइप कोई भी क्वेश्चन अगर करे पाइप कितने प्रकार का होता है, आप बता सकते हैं पाइप दो प्रकार का होता है, नंबर वन सिम पाइप और नंबर टू सिमलेस पाइप। उसके बाद आते हैं पाइप के ओडी आईडी, अगर सीएफ ये सब आपको निकालना हो, अगर आप मीटर कट भी बनाना होता है या ब्रांच कट बनाना हो तो ये सब को भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो मान लीजिए आपको पाइप का ओडी मालूम है और पाइप का सीएफ निकालना हो अगर, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसको फार्मूला एक होता है, उसको आसानी से आप पाइप का ओडी मालूम हो तो पाइप का सीएफ निकाल लेंगे, और पाइप का अगर आपको सीएफ मालूम हो तो पाइप का ओडी आप कैसे निकालेंगे, वो हम आपको इसमें बदलाव देंगे। तो जो पाइप का ओडी जो होता है उसका जो है, मान लीजिए पाइप का ओडी इंटू 3.142 से इसको गुना करेंगे तो पाइप का सीएफ निकल जाता है, ओके। और पाइप का जो सीएफ है, सीएफ डिवाइडेड 3 × 142 करेंगे तो पाइप का ओडी निकल जाता है। इसको हम आपको एग्जांपल में कैलकुलेटर करके दिखला दे रहे हैं। मान कर चलिए 4 इंची के पाइप का ओडी 114 mm होता है, तो 114 इसको गुना कर लीजिए 3.142, तो सीएफ कितना आ गया, 358.18 mm, ये पाइप का सीएफ आ गया। और मान लीजिए पाइप का आपको सीएफ मालूम है तो उसमें आपको पाइप के सीएफ में 3.142 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो पाइप का आपको ओडी आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को डिवाइड कर देंगे 3.142 से, तो पाइप का ओडी आपको निकल जाएगा। ऐसे आपको पाइप का ओडी और सीएफ निकाल सकते हैं। और पाइप का ओडी आपको मालूम हो और पाइप का आईडी मालूम है तो पाइप का थिकनेस भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब आपको जानकर रखना होगा ताकि आप पाइप फिटर से जब वर्क करें तो आपको वर्क करने में भी बहुत आसानी हो। उसके बाद आइए एल्बो के बारे में आपको बतला देते हैं। एल्बो आप वीडियो में मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे एल्बो मीटर कट फार्मूला भी हम बतला चुके हैं, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो एल्बो के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एल्बो कितने प्रकार के होते हैं। एल्बो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं उसके नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर बोलना है एल्बो तीन प्रकार के होते हैं, एल्बो तीन प्रकार के होते हैं, उनके नाम कौन कौन से है, शॉर्ट, रेडियस, नंबर टू लॉन्ग, रेडियस, नंबर थ्री स्टैंडर्ड रेडियस। तो एल्बो तीन प्रकार का होता है, शॉर्ट रेडियस, स्टैंडर्ड रेडियस और लॉन्ग रेडियस। तो एल्बो आप देख पा रहे हैं शॉर्ट रेडियस, स्टैंडर्ड रेडियस और लॉन्ग रेडियस। एल्बो कितने डिग्री में भी आता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्बो कितने डिग्री में आता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एल्बो आता है, 45 डिग्री का एल्बो आता है, उसके बाद एल्बो वो अलग अलग डिग्री में कटिंग से आप उसको डिग्री काट भी सकते हैं।
इसके बाद हम लोग जान लेते हैं फ्लैंज के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्लैंज भी कितने प्रकार के होते हैं, फ्लैंज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लैंज आपको 6 प्रकार के होते हैं, तो उसके नाम भी मैं यहाँ पर आपको बतला दे रहा हूँ। फ्लैंज 6 प्रकार के आपको बोलना है, स्लिपोन फ्लैंज नंबर 2, सॉकेट फ्लैंज नंबर 3, थ्रेडेड फ्लैंज नंबर 4, वेल्डिंग नेक फ्लैंज नंबर 5, लेप जॉइंट फ्लैंज और नंबर 6, ब्लाइंड फ्लैंज। तो फ्लैंज 6 प्रकार के होते हैं, स्लिप ऑन फ्लैंज, सॉकेट फ्लैंज, थ्रेडेड फ्लैंज, वेल्डिंग नेक फ्लैंज, लेप जॉइंट फ्लैंज और ब्लाइंड फ्लैंज। ये नाम आपको अच्छा से याद कर लेना है ताकि आपको काम करने में बहुत आसानी होगा और आपको इंटरव्यू में कहीं अगर क्वेश्चन आंसर में पूछा जाए तो आपको बोलने में भी आसानी होगा। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं वाल्व के बारे में। वाल्व तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि वाल्व कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो आपको वहाँ पर बतलाना है कि वाल्व अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ वाल्व का नाम याद कर लेना है, आपको 7-8-10 वाल्व का नाम याद कर लेना है, उसमें से आपको बोल देना है। वाल्व का है कि बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको जैसे नाम लिख दे रहा हूँ, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व, बाल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, कंट्रोल वाल्व, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व, एनआरवी वाल्व। एनआरवी को हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं यहाँ पर, लॉन्ग 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 में हम पूरा नाम लिख देते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व। तो आपको इस तरीके से कुछ वाल्व का नाम याद कर लेना है कि वाल्व अनेक प्रकार का होता है, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व, वाल्व वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, कंट्रोल वाल्व, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व। इसके अलावा बहुत सारा और भी वाल्व हैं, ठीक है। तो आपको ये सब याद कर लेना है।